सुटैक फैमिली, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लैपटॉप की जो कि आप 60,000 के प्राइस रेंज में ले सकते हो। लाइक अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी है, ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, हर एक कैटेगरीज के बंदों के लिए अलग लैपटॉप बताने वाला हूँ। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 पे यार मैंने रखी है MI Notebook Pro को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर देते हैं, तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करना चाहता हूं यार, आपको स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं यार। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको क्वाड HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 4 इंच के साथ, ठीक है, इसकी डिस्प्ले बेस्ट होने वाली है, आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको लाइक फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है ना, तो आपका एक्सपीरियंस बेस्ट तो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको 16GB रैम मिल जाती है, इसमें आपको 8GB विंड भी देखने को मिलता है, लेकिन आपने उसकी ओर नहीं जाना, आपने मिनिमम 16GB रैम की ओर जाना ही जाना है अगर आपने लॉन्ग टाइम लैपटॉप को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको 512GB NVMe SSD देखने को मिल जाती है, i5 11th जनरेशन के साथ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, प्लस Intel Iris Xe ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाती है, प्लस MS ऑफिस भी मिल जाता है 2019 वर्जन। तो भाई अगर आपको प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, या अगर आपको कॉलेज के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ठीक है। पोर्ट्स की बात करो, आपको सभी पोर्ट्स मिल जाते हैं, लाइक आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, USB पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, प्लस फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिल जाता है, एंड आपको 11 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है MI Notebook Pro में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI Notebook Pro के, तो भाई अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है तो भाई आप जा सकते हो। अगर मैं इसके प्राइस रेंज की बात करूँ तो आपको 60,000 के प्राइस रेंज में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। इसका वेरिएंट और भी आता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने 8GB रैम की ओर नहीं जाना, 16GB रैम की ओर जाना, बिकॉज इसमें आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो भाई अगर आप 8GB रैम रखोगे ना, तो लाइक 3 से 4 साल बाद ना वो आपका लैपटॉप इतना सही नहीं चलने वाला, ठीक है। अगर आप 16GB रैम की ओर चले जाते हो तो आप लाइक 4 से 5 साल तो नॉर्मली यूज़ कर लोगे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, जो बाइंग लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आपने चाउड करना है आप चाउड कर सकते हो। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है HP Forgen को। तो यार सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मुझे HP, मुझे Dell, मुझे HP, मुझे Dell का ही लैपटॉप चाहिए। अगर आप भी उनमें से आते हो एंड अगर आपका बजट 60,000 से कम है, या अगर आप 60,000 बजट नहीं पे कर सकते, आपका बजट 50,000 तक चला जाता है ना, तो भाई मैं आपको कह देना चाहता हूँ आप जा सकते हो HP Forgen की ओर। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ ना, तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपको Forgen के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले, IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो यार डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा 5500U के साथ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपैरिजन कर देना चाहता हूँ i5 11th जनरेशन के साथ, अगर इसका लाइक कंपैरिजन किया जाना तो ये प्रोसेसर सच में तगड़ा है, ठीक है। अगर आपने लाइक गेमिंग करनी है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलनी है, करवा देगा। अगर आपको GTA 5 खेलनी है ना, करवा देगा, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 8GB रैम मिल जाती है, 16GB तक अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस M.2 NVMe SSD देखने को मिल जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हो, MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। उसके बाद ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, इसका ग्राफिक कार्ड भी आपको तगड़ा मिल जाता है, एज कंपैरिजन किया जाए इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड के साथ, या इंटेल Iris Xe ग्राफिक कार्ड के साथ, तो AMD Radeon ग्राफिक कार्ड सच में जो बेटर है, परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 9 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। उसके बाद आपको 51,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में HP Forgen देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP Forgen के, तो भी अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो। इसका प्राइस रेंज भी कम है, इसका प्रोसेसर भी सच में मच बेटर देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर मेरा बजट होता ना 50,000 से कम, मैं किसी और लैपटॉप की ओर नहीं जाता, मैं जाता HP Forgen की ओर। आप जैसे करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो बाइंग लिंक है मैंने इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, आप जैसे करना चाहते हो आप वैसे ही कर सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पे यार मैंने रखा है, अगर आपको गेमिंग भी करनी है,
कॉलेज के रिलेटेड भी चाहिए, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड भी चाहिए, स्कूल के रिलेटेड भी चाहिए, प्लस अगर आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है ना तो आप इसी लैपटॉप की ओर जाना, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की, ठीक है। लिनोवो की ओर से आता है, डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत प्यारा है, एंड ये ब्लू बैकलेट कीबोर्ड के साथ देखने को मिलता है, जिसका कलर सच में बहुत अपर है यार। अगर मैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 15.6 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। IPS पैनल डिस्प्ले है, 8GB रैम मिल जाती है, 16GB तक अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, प्लस 512GB SSD देखने को मिल जाती है। i5 10th जनरेशन के साथ प्रोसेसर मिल जाएगा, 1615 ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 4GB के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हो यार, अगर आपको GTA 5 हाई सेटिंग पे खेलनी है या कोई भी गेमिंग करनी है तो आप कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। पोर्ट्स आपको सारे मिल जाते हैं, 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है, प्लस आपको रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपका लैपटॉप जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, वाईफाई 6 की सपोर्ट मिल जाती है, प्लस यार ब्लूटूथ वर्जन की बातों को 5.0 देखने को मिल जाता है। तो यार अगर आपने जाना है लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 की ओर, तो आप इस लैपटॉप की ओर भी जा सकते हो। इसके मैं प्राइस रेंज की बात कर देना चाहता हूँ यार, तो ये लैपटॉप आपको 60,000 के प्राइस रेंज से लेकर 61,000 के प्राइस रेंज में प्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, अमेजोन पे फिक्स नहीं होता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। अमेजोन पे प्राइस फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपने इस लैपटॉप की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बात करने लगा कंक्लूजन की, तीन में से लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो यार अगर आपको लाइक ओवरऑल बेस्ट लैपटॉप चाहिए, लिनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 आपके लिए बेस्ट है, एंड अगर आपका बेटा 60,000 है ना तो आप उसी लैपटॉप की ओर जाना, एंड अगर आपका बेटा 60,000 से कम में आपको परफॉर्मेंस दी बेस्ट चाहिए ना, तो मैं आपको रिकमेंड कर देना चाहता हूँ HP फोर्टिन आपके लिए बेस्ट डील होने वाले, बिकॉज उसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा है यार। आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाता है 5th जनरेशन के साथ। तो अगर आपने कोई भी काम करना है ना तो आप इजीली नॉर्मली कर लोगे यार, आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। प्राइस रेंज मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो HP फॉरेन है आपको 51,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। बाइंग लिंक दे दिया, चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर सकते हो। अभी गर्मी वगैरह आ गई है, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो वीडियो यहीं पर कर देते हैं खत्म। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो का, थैंक यू।